मॉर्निंग सॉन्ग। जैसे कि अपनी बात हुई थी आज की स्टोरी में, फॉक्स ने जो है, हाँ आज की स्टोरी फॉक्स से स्टार्ट होगी। फॉक्स ने जो है सारे एनिमल्स को बोल दिया कि मैं जो है आज शाम को तुम लोगों को आईफोन के बारे में बताऊंगा। अब फॉक्स ने सारे जानवरों को बोला कैसे, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। फॉक्स को एक आईफोन मिला और जो वो फॉक्स उसको यूज़ कर रहा था काफ़ी दिनों से। अब जब वो यूज़ कर रहा था तो वो चाहता था कि जंगल में जितने भी एनिमल्स हैं जिनको इंटरेस्ट है कि आईफोन क्या होता है, उसे कैसे यूज़ किया जाता है, उसको वो समझाएगा। तो अब उसने सबसे पहले तो मंकी को बुलाया अपने पास और मंकी को बोला कि सारे एनिमल्स को बोल के जिसको जिसको भी इंटरेस्ट हो कि आईफोन क्या होता है, कैसे चलता है, क्या काम आता है, कैसे करते हैं, कौन कौन यूज़ कर सकता है, अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो तो वो आज शाम को 5 बजे मेरे घर के बाहर आ जाए और मैं उसे सब सिखाऊंगा। मंकी ने बोला पहला तो मेरा नाम लिख लो, मैं तो आने ही वाला हूँ। बोला मुझे पता है, तभी तो मैं तुझे बोल रहा हूँ, तेरे पास आज पूरा टाइम है, तू सारे अपने जितने भी एनिमल्स फ्रेंड्स हैं सबको जाके बोल दे। मंकी भाई साहब केला खा के छलांग पे छलांग लगा के एक एक करके सारे एनिमल्स को बोल दिया। अब जब वो डोंकी के पास पहुँचा, हाँ डोंकी के पास भी तो पहुँचेगा, वो भी तो एनिमल है, तो डोंकी के पास पहुँचा और डोंकी को बोला देख भाई, फॉक्स जो है आज शाम को आईफोन के बारे में बता रहा है, तुझे पता है आईफोन क्या होता है? डोंकी बोला वो क्या होता है? बोला मोबाइल होता है और सारे इंसान उसको यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ होती है, तेरे को सीखना है? बोला पर मेरे को सीखना क्यों है? अबे गधे, तू गधा ही रहेगा, तेरे को नहीं मालूम है तभी तो तेरे से पूछ रहे, तेरे को सीखना है। पर मैं सीखूं क्यों, और सीख के मैं करूँगा क्या? वाह वाह भाई वाह, गधे का गधा ही रहना तू, ठीक है ना, तेरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो गधा हंसने लगा, बोला यार मैं मजाक कर रहा था, तू बता तो सही मेरे को, मैं सीख के करूँगा क्या? बोले तेरे को अगर कल को आईफोन मिल जाए तो, और क्या करेगा क्या नहीं करेगा, यही सीखने और यही सुनने के लिए तो हम लोग सब लोग जा रहे। बोला और कौन आ रहा है? बोला मैं सबको बोल चुका हूँ, बहुत लोग आ रहे हैं, तेरे को आना है तो बोल। बोला ठीक है मैं भी आऊँगा। चलो भैया, तो मंकी एक एक करके सबके पास होके गया, 4-5 लोगों ने अपना नाम भी लिखाया और फिर वो पहुँचा अपने दोस्त एलिफेंट के पास। एलिफेंट को बोला ये बात है, तो चींटी भाई साहब काट के एलिफेंट को बोलने लगी कि भैया मैं भी चलूँगी। अब मंकी ने जब सुना कि चींटी भी आएगी तो मंकी ने बोला यार देख एक बात बता, चल मैंने मान लिया तेरे को टेक्नोलॉजी सीखनी है, तेरे को समझ में आ भी गया, पर तू आईफोन उठाएगी कैसे? चींटी जितना आईफोन तो बना नहीं है, अगर आईफोन मिनी भी ले लेना इतना सा होता है वो, तेरे जैसी 10,000 चींटियाँ उसके अंदर घुस जाएंगी, तू उठाएगी कैसे? चींटी बोले तेरे पैसे लग रहे हैं, तू सिखा रहा है, हैं तू सिखा रहा है, अच्छा चल मान लिया कि मैं नहीं बोलती हूँ, मैं नहीं आती, पर मैं एलिफेंट के ऊपर बैठ के वहाँ पे सब सुन लेती हूँ, तो तू क्या करेगा? मंकी बोला यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, और अच्छा ठीक है मैं लिख लेता हूँ, ठीक है भाई ठीक है मेरे को पता है, ओके सब हो गया। शाम को 5 बजे जैसे ही फॉक्स अपने घर के बाहर से निकला तो उसको सिर्फ 5 स्टूडेंट मिले। अब उनको स्टूडेंट ही बोलेंगे जो लोग सीखने आए, तो 5 जने 5 एनिमल उसको वहाँ पर मिले। नंबर 1 अपना मंकी, नंबर 2 उसका दोस्त डंकी, यानी मंकी और डंकी तो है ही, 3rd एलिफेंट ज़रूरी है, 4th ज़ेबरा, लंबी गर्दन वाला ज़ेबरा, और 5th मिस्टर लॉयन। तो फॉक्स ने बोला मेरे को अच्छा लगा कि इतने सारे जानवरों में से सिर्फ आप लोगों को आईफोन के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करके आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो चीज़ होती है आईफोन, ये आईफोन जो चीज़ है ना वो है बहुत कमाल की। अब कमाल की क्यों है? क्योंकि जब भी समझो हमारे जंगल में कोई आता है, कोई भी शिकारी शिकार करने आता है, कोई किसी को मारने आता है या क्या करने आता है, और जिसके पास फ़ोन है उसने फ़ोन कर दिया,
सारे जंगल अलर्ट हो सकते हैं। हम लोग अब तक क्या करते हैं, आधे लोग समझते हैं आधे लोग नहीं समझते हैं, बट ये चीज़, ये जो चीज़ है ना, ये आपको बहुत मदद करेगी। मदद कोई सा भी फ़ोन करेगी, ठीक है, एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोन भी करेगी, ठीक है, पर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। ये फ़ोन बहुत चीज़ों के काम आता है। मैं आपको 2-3 दिन रोज़ ये चीज़ें सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग आज जो बात करेंगे वो इसके बाहर की बात करते हैं। लोहा, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम, दो तरीके की आईफोन आते हैं। अब तक जितने भी फ़ोन आईफोन आए थे 11 तक, वो सब एल्यूमिनियम थे। ये है स्टेनलेस स्टील, मजबूत, सबसे मजबूत। इसकी स्क्रीन ट्रिपल प्रोटेक्शन वाली होती है। इसमें ऑटोमेटिकली स्क्रीन सेवर आता है, उसके ऊपर भी एक स्क्रीन सेवर लगा हुआ है, तो भी दिखता नहीं है कि ये स्क्रीन सेवर लगा हुआ है या क्या। बाहर की बात करें इसको, तो ये देखो कर्व, ये कर्व है इसके, कर्व। इसके साइड में देखो, ये है बटन्स, देखा। अब सबसे पहले आपको ये वाले बटन्स के बारे में बताता हूँ। ये है साइलेंट का बटन, इसको प्रेस किया नीचे, देखा ऊपर क्या लिखा हुआ गया, साइलेंट। इसको ऑन किया, आवाज़। अच्छा, अब ये क्या है, समझो शिकारी के सामने आप खड़े हो और आपको मंकी ने फ़ोन कर दिया, ए लॉयन अंकल। पर लॉयन अंकल, उसके पहले अगर मोबाइल बज गया तो शिकारी को पता चल गया कि आप कहाँ पर हो, और वो वहीं पे आपको शूट कर देगा। पर अगर आपने ये साइलेंट मोड का इस्तेमाल किया तो ये जो है फ़ोन, इसमें दिखेगा कि आपको कॉल आ रहा है, बजेगा नहीं। दिखेगा तो आप उसको काट सकते हो कि मैं शिकारी के पास में ही हूँ, और जैसे ही शिकारी इधर उधर हुआ फिर कॉल बैक कर सकते हो। सेकंड, ये है वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, आवाज़। अब आपको चाहिए आवाज़, नहीं आ रही है, हेलो नहीं आ रही आवाज़, तो आवाज़ बढ़ा सकते हो और आवाज़ कम कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक ही बटन है, ये कहलाता है पावर बटन। इसको प्रेस करके रखो तो स्क्रीन पे कुछ ऐसा आता है, वो अभी लॉक है, इसके लिए पहले लॉक खोल देते हैं। मैंने लॉक खोल दिया, अब मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ। एनीवेज, स्विच ऑफ का है ये बटन, जब आपको मोबाइल को लॉक करना होता है तो ऐसे देखते हैं। नहीं, ये बटन जो है लॉक करने का है, ये आपका खुला हुआ है, आपने इसको एक बार प्रेस कर दिया, ये आपका लॉक हो गया, ठीक है, ये आपका फ़ोन लॉक हो गया। फिर इसको प्रेस किया तो आपसे चाबी मांगेगा, पासकोड मांगेगा। जब आप ऐसे करोगे तो आपसे पासकोड मांगेगा, आईडी पासवर्ड। तो ये लॉक का बटन है, स्लीप बटन, ऑन बटन, स्लीप बटन, ऑन बटन, यानी आपको अगर इसे फ़ोन को ऑन करना है तो इधर से बंद कर दिया, ऑन कर दिया, बंद कर दिया, ऑन कर दिया, और सेम टाइम पे आपको फ़ोन पे बात करते करते इसको लॉक कर देना है, ताकि कोई और इस फ़ोन को यूज़ नहीं कर सके। तो ये स्क्रीन की बात हो गई, बटन की बात हो गई, ये हो गया इसका स्पीकर और कैमरा, फ्रंट कैमरा। यहाँ पर ये आ गया इसका चार्जिंग पॉइंट, और ये आ गया इसका आवाज़ सुनने की जगह, जो होल्स है ना, यहाँ से आवाज़ भी आती है स्पीकर मोड पे, यहाँ से आवाज़ आती है। ये आपके ऑडियो माइक्रो के लिए भी होती है, यहाँ से भी आती है और यहाँ से भी आती है। ये हो गया बाकी सिम, सिम के लिए डालने का। आप लोगों को कोई क्वेश्चन? फिलहाल आपको मैंने सिर्फ आईफोन के बाहर के बारे में बताया, और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो एप्पल है, खाया हुआ एप्पल, ये इस कंपनी का ब्रांड, इसका लोगो, इसका सब कुछ है,
इसी से इसको पहचाना जाता है। पूरे फ़ोन में और कोई डिज़ाइन नहीं होती। और हाँ, कैमरा लेंसेज होते हैं, ये है लाइट और ये है कैमरास, जो अलग अलग रेंज पे काम करते हैं। जब आपकी डिस्टेंस कम होती है तो कोई एक कैमरा काम करेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो दूसरा, डिस्टेंस और ज़्यादा होती है तो तीसरा। तीनों कैमरा एक साथ काम नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं कि आपकी लोकेशन डिस्टेंस कितनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपके क्वेश्चन और सवालों के लिए हम लोग मिलेंगे कल।